बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे जो है इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट प्रिंटर जो है, ये इसकी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में पंप है, इंक सप्लाई है, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, और तीसरा जो पार्ट है वो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, गटर एंड पेपर जिस पे हम प्रिंट लेंगे। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले है, हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिंट हेड। तो एन इंक जेट प्रिंट हेड इजेक्ट्स अ स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स। तो इसका काम ये है कि ये टाइनी जो ड्रॉपलेट्स हैं इंक के, वो इजेक्ट करेगा। वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेंगे। जो दूसरा जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, चार्जिंग दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स बिकम चार्ज व्हेन पास थ्रू द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर। तो जो ड्रॉपलेट्स हमें पेपर पे रिक्वायर्ड नहीं होंगे, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज ऑन हो जाएगा और इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देगा। वो चार्ज ड्रॉपलेट्स जब डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होंगे तो वो डिफ्लेक्ट होके इधर गटर में चले जाएंगे, पेपर पे नहीं पहुँचेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर कोई सर्कल बनाया है, इस सर्कल का आप प्रिंट लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, प्रिंट हेड जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, और यहां से यहां तक आप देख सकते हैं कि इंक रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब प्रिंट हेड यहां से यहां मूव कर रहा होगा तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ जाएगा, और डिफ्लेक्शन प्लेट से वो डिफ्लेक्ट होके गटर में चले जाएंगे, पेपर पे नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह सपोज कि वो प्रिंट हेड जब यहाँ आता है तो यहाँ पे इंक रिक्वायर्ड है। ये आप देख सकते हैं, ये एरिया है जहाँ पे इंक रिक्वायर्ड है। जैसे ही प्रिंट हेड यहाँ पहुँचेगा तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और वो जब इससे पास होंगे तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे क्योंकि उन पर चार्ज ही नहीं है, और वो पेपर तक पहुँच जाएंगे। तो यानी जो इंक पेपर पे रिक्वायर्ड होगी उस वक्त कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग कंट्रोल को, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और वो सीधा पेपर पे पहुंच जाएंगे। और जो इंक हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी उस वक्त चार्जिंग कंट्रोल चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा, और इस इन चार्ज और इन ड्रॉपलेट्स पे चार्ज आ जाएगा। तो सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, और वो डिफ्लेक्ट होके गटर में चली जाएगी। तो इस तरह हम इंक जेट प्रिंटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं।